अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने एक्सपोनेंट करने हैं, हमारे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 69 पे आपके दिए हुए। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने फिर ये कॉपी पे नोट डाउन कर लेने। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि आपने ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी पावर हमने नेगेटिव करने के लिए क्या करना है, 3/4 की पावर हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो न्यूमरेटर में नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इसकी वजह से आपकी ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ये आपकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट में आप देखिए हमारे पास इधर नेगेटिव पहले से हमें पावर दी हुई है। आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा लॉ लगेगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर -6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 5। अब देखें बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 5 की पावर क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अब हमने इसको नेगेटिव में करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये 5 की पावर क्या बन जाएगी, -1/5 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखें, नेक्स्ट में भी दोबारा वही लॉ लगेगा, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -1 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -2/5। ये माइनस का साइन यहाँ बीच में है। ठीक है, और ये हो जाएगा +2। अब आपने क्या करना है, दोबारा टर्म्स को शफल कर देना है, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, और इसकी वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई हैं। ठीक है, आपने इनको सॉल्व करना है। अब देखिए आपके आगे यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स की राइट हैंड साइड पे आपको आंसर दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपने मिसिंग प्लेस है, इधर आपने इनकी पावर डालनी है। ठीक है, अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 10 में से 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 5 की पावर +2 आती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ है। तो 1/5 इसको कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये 1/5 हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फिलिंग जो मिसिंग प्लेस है उधर क्या आ जाएगा, हमारा -2। इसी तरह ये देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों की बेसिस हमारे पास दोबारा सेम है। ठीक है, -2/3 पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4+-3। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, -2/3, 4-3 = 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है, आपने इसको शफल कर देना है। ठीक है, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी पावर फिर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 की पावर, बेसिस सेम है, आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देना है। बेसिस जब भी सेम होती है हम पावर्स को, अब यहाँ पे सॉरी मल्टी डिवाइड था इस वजह से हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब यहाँ पे भी हमारा डिवाइड है, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम बेसिस को ऐड किया करते हैं, डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू ये हमारा 5 आ गया। अब -5 की पावर 2 = 5। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, -5 है। ठीक है, और इधर भी हमने इसकी आगे पावर डालनी है कि इसकी पावर हमारे पास, ये देखिए कि इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है। तो ये क्या होगा, -5 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 25 आता है, +25 आता है। तो इधर भी क्या आएगा, हमारी पावर क्या आएगी, 5 की पावर 2 आएगी। अगर 5 की पावर 2 को अगर आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, आपके पास 25 आता है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। थैंक यू एंड अल्लाह।